क्या मसला होता है और कहाँ पे हमने फार्माकोलॉजी अप्लाई करनी है। जब आप नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जो टारगेट चीज है उसका पता चल जाएगा कि इस जगह पे हमने इस ड्रग को टारगेट करना। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड देन फार्माकोलॉजी, ये आपका पैटर्न जब तक नहीं जेन में बनेगा तो ऑटोमेटिकली फार्मा की आपको समझ नहीं आएगी। तो फार्मा के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो उस चीज की बेस है वो आपको पता होनी चाहिए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी को भी टच दे दें, जो खास खास कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम डायबिटीज की बात करते हैं। डायबिटीज में हमें पता है कि टू टाइप्स होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 जो है मोरली अर्ली ऑनसेट होता है मोस्टली इसका। इसमें बेसिकली होता क्या है, अब हमारे पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज के अंदर हमने जो दो बेसिक सेल पड़े हैं अल्फा टाइप के एंड बीटा टाइप के, हमें पता है कि जो बीटा टाइप के सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, वो बीटा सेल का लॉस हो जाता है, बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बीटा सेल का लॉस होता है अर्ली ऑनसेट की वजह से, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी हमें या जिस पेशेंट को होगा डायबिटीज हो जाएगी। सो बिल्कुल सिंपल सा रूल आपने जेहन में रखना है कि जो आपके पास टाइप 1 है इसमें एक्चुअली क्या है कि आपके पास पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं एंड बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स की हमने ये फिजियोलॉजी पढ़े थे, उसका नॉर्मल फंक्शन है कि उसने इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी है। अब वो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इसका मतलब है इंसुलिन कम है, इंसुलिन कम है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज उसी तरह आ रहा है डाइट से, तो ग्लूकोज को काउंटर करने के लिए, ग्लूकोज को हमारे पास ग्लाइकोजन या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंसुलिन नहीं है। तो इंसुलिन जब नहीं है इसका मतलब है ग्लूकोज के लेवल ज्यादा हो, ग्लूकोज के लेवल ज्यादा है हाइपरग्लाइसीमिया तो डायबिटीज हो। सेकेंड टाइप जो है इसका अडल्ट ऑनसेट है, ये इसको लेट ऑनसेट भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या, हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन नॉर्मल है, सेल डिस्ट्रॉय नहीं हुए हुए, सेल नॉर्मल ही है। अब इंसुलिन ने जिस जिस ऑर्गन पे काम करना है या जिस जिस टिश्यू पे काम करना है, लाइक लिवर की तरफ जाना है, दूसरे टिश्यूज पे काम करना है, इंसुलिन ने परमेबिलिटी इंक्रीज करनी है, ग्लूकोज के खास तौर पे इंसुलिन का एक जो फंक्शन होता है कि आपके पास जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, ताकि ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है और जो ग्लूकोज का यूजेज है वो ज्यादा हो जाए। जब यूजेज ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज टूट के एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन का ये फंक्शन, इसमें बेसिकली रिस्पॉन्स लॉस हो जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है बट इंसुलिन जाके उन टिश्यूज पे उन ऑर्गन्स पे काम नहीं कर रही। जब उन ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी लॉस हो गई है इट मीन्स कि इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा तो अगेन यहाँ पे ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज कर देगा, तो ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज कर गया जिसकी वजह से हमारे पास अगेन डायबिटीज मिलाइटस होगी विच इज टाइप 2। अब दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे पास खास तौर पे टाइप 1 हो या टाइप 2, हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। हमने पहले नॉर्मल इसका पढ़ लिया कि डायबिटीज होती क्यों, हमने फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी की कोशिश की बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग में इसको डिस्कस करने की, इसमें मसला क्या हुआ। अब देखिए टाइप 1 में जो, जी जी सर, आपकी आवाज सर हल्की हल्की कटती है, ज्यादा क्लियर नहीं है। एक मिनट में ट्राई करता हूँ कि नहीं। अच्छा अब बताइए कि अब सही आ रही है आवाज। जी सर, बेहतर है। सो हमने बेसिक फिजियोलॉजी डिस्कस कर ली और थोड़ी सी पैथोलॉजी डिस्कस कर ली कि इसके अंदर होता क्या। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल दो टाइप के डायबिटीज हैं और हमने इन दोनों को ट्रीट करना है, टाइप 1 को एंड टाइप 2 को। हमारा मेन पर्पस ये है कि हमने जिस चीज को ट्रीट करना है पहले हमें पता हो कि उसका नॉर्मल फंक्शन क्या था, फिर पता हो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई यानी उसकी पैथोलॉजी क्या थी, फिर हम उसकी फार्माकोलॉजी पे पहुंचे। सो टाइप 1 के अंदर अगर आप बेसिकली देखें तो हमारे पास एक मसला है कि जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं इनका लॉस हुआ है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है तो हमें आउटसाइड से इंसुलिन देनी पड़ेगी, तो हम इंसुलिन इसको प्रोवाइड करेंगे। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का मेन रोल नहीं है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, नॉर्मल प्रोडक्शन है,
एंड समटाइम इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही होती है बट उसका रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमने इसके रिस्पॉन्स को बेहतर करने के लिए कोई ना कोई काम करना है। तो हमारे पास टारगेट क्या आया, टाइप वन के अंदर हमने बेसिकली इंसुलिन प्रोवाइड करनी है उस पेशेंट को, और टाइप टू के अंदर ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करनी है जिन ड्रग्स से उस पेशेंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए, उन टिश्यूज की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए कि वो टिश्यूज प्रॉपरली जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर। सो हम उसी तरह टाइप वन एंड टाइप टू के जो ट्रीटमेंट की तरफ या फार्माकोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। सो टाइप वन में हम इंसुलिन देते हैं। अब इंसुलिन डिपेंड करता है कि वो पेशेंट किस कंडीशन में, अर्ली कंडीशन में है, वो क्रॉनिक पेशेंट है, कितनी देर से पेशेंट है वो डिपेंड करता है, और उसका कितना ग्लूकोज का लेवल है, कितना कंट्रोल है उसका, उसको हम कहते हैं BSR। सो हम उसका कंट्रोल देखते हैं कि उस टाइम उसका ग्लूकोज का लेवल क्या है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन देते हैं। सो ये एक बिल्कुल शॉर्ट टेबल के अंदर जो है मैंने इंसुलिन उनके टाइप और उनका जो है ड्यूरेशन उसकी ये शॉर्ट से टेबल के अंदर सारी पिक्चर के अंदर बना दिए। अब जो हमारे पास इंसुलिन है रैपिड एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है और लॉन्ग एक्टिंग होती है। रैपिड एक्टिंग वो है कि एक बंदे ने खाना खाना है, खाने में ग्लूकोज लेनी है, ऑब्वियसली उसको फौरी जरूरत है कि वो इंसुलिन दे के वो बंदा फौरी तौर पर अपने ग्लूकोज के लेवल को मेनटेन करे। सो रैपिडली एक्टिंग है, फौरी तौर पर जाती है, इनका ऑनसेट बहुत जल्दी होता है, ऑनसेट जल्दी होने की वजह से इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, ड्यूरेशन बहुत कम है, सिर्फ वो एक खास लेवल पे जो है वो इसको करती है। वन मिनट में सॉरी एक मिनट वो मैं काम गया था। अच्छा सो हम बात कर रहे थे इंसुलिन की। इंसुलिन में मैंने आपको बताया कि रैपिडली एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन के पेशेंट ने किस फॉर्म में लेनी है और किस टाइम पे लेनी है ये इंसुलिन को हमने डिवाइड किया। सो आपने इसमें जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि इन इंसुलिन में से हमारे पास हम जो है मील के बाद कौन सी लेते हैं, मील से पहले कौन सी लेते हैं, लॉन्ग एक्टिंग के लिए कौन सी लेते हैं। सो आपको नाम याद होने चाहिए, इन सब इंसुलिन के नाम याद होने चाहिए और इनका ये ड्यूरेशन जो है बेसिकली ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए लिखा है कि ये जो इंसुलिन का ड्यूरेशन है इसका बेसिकली आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका इतना ड्यूरेशन है, ताकि आपको पता हो कि इस रेंज तक, इस जगह तक हम जो है वो अपने हाइपरग्लाइसीमिया को, डायबिटीज मेलाइटिस को, या फिर हमारे पास जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल हमारे पास जो है वो कुछ शॉर्ट एक्टिंग के लिए होते हैं, कुछ और इंटरमीडिएट एंड कुछ लॉन्ग एक्टिंग के लिए होते हैं, ठीक है। सो इसमें रैपिडली एक्टिंग में लिस्प्रो है, एस्पार्ट है, एंड ग्लूलिसिन है, शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास रेगुलर है, इंटरमीडिएट में NPH है, और लॉन्ग एक्टिंग में टेमर, डेग्लुडेक एंड ग्लार्जिन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब आप थोड़ा सा ग्राफ को अगर देखें, आपको जो ग्राफ नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले रैपिडली एक्टिंग जो है ये देखिए कितनी जल्दी इनका ऑनसेट हुआ और इनकी पीक बनी और फिर दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ गई, यानी इसने ग्लूकोज का लेवल जो मेंटेन किया था हमारे पास वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए था, इतने कम ड्यूरेशन के लिए कि 3 to 4 hours के अंदर ये दोबारा उसी जगह पे वापिस आ गए। उसके बाद अगर हम रेगुलर की बात करें, रेगुलर में भी आप देखें पीक बन रही है उसी तरह, बट दोबारा से जो है वो मैक्सिमम 5 to 7 hours में वो वापिस आ रही है। उसके बाद NPH की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 15 to 17 hours के अंदर ये भी अपने उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग एक्टिंग है आप देखें ये मोर देन 24 hours हमारे पास काम करती हैं। सो हम उसके अकॉर्डिंग ये हम इसकी डोज देते हैं, इसके यूनिट्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंसुलिन, और इसके ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाके काम क्या करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक्सोजिनस इंसुलिन है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही, सो इसका काम जो है वो नॉर्मल इंसुलिन वाला तो होगा बट थोड़ा सा इसके साइड इफेक्ट्स भी साथ होंगे। सो ये उसी तरह जिस तरह नॉर्मल इंसुलिन का काम होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है, टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करती है और उन टिश्यू को फॉस्फोराइलेट करके अपना एक्शन परफॉर्म करती है। ये जो नॉर्मल इंसुलिन का फंक्शन है या नॉर्मल इंसुलिन का मैकेनिज्म उसी तरह, बट ये हमारे पास
इन कंडीशंस के अंदर हम इसको यूज करें, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी साथ है, क्योंकि अब हमने इंसुलिन दी है, एक्सोजेनस इंसुलिन दी है, उसके हमने यूनिट्स दिए, तो ऑटोमेटिकली उसने टिश्यू की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देनी है, अंदर जाके इंसुलिन तो चली गई है। अब सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज की उसने मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर दिया, ग्लूकोज की कन्वर्जन को भी इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ग्लूकोज का बॉडी में लेवल कम हो सकता है। सो उसके लिए हम जो है फौरी तौर पे देखते हैं कि उसको कितने यूनिट देने, उसके अकॉर्डिंग हमने सेट करना होता है। सेकेंड नंबर पे इंसुलिन, चूंकि हम एक एक्सोजिनस सब्सटेंस है, हम बाहर से दे रहे हैं, तो कोई भी चीज हो जो कि हम बाहर से ड्रग की फॉर्म में लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉडी के लिए फॉरन चीज है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो सकती है। सो अगर हम जो है एक पेशेंट को इंसुलिन दे रहे हैं, तो हमें ये सबसे पहले ज़हन में चीज रखनी चाहिए कि ये एक एक्सोजिनस चीज है। इसी तरह हम कोई ड्रग देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में हमें ज़हन में रखनी चाहिए ये चीज, तो उसकी डोज, उसके यूनिट्स, ये हमें खास तौर पर देखने चाहिए कि हम इसको कितने यूनिट्स दे सकते हैं या कितनी डोज दे सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन सकती हैं। एंड थर्ड नंबर पे एलर्जी जो है, एलर्जिक रिएक्शन भी इसके अगेंस्ट हो सकते हैं। सो ये हमारे पास टाइप वन जो डायबिटीज है, जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही थी, हम कंडीशन को देखते हुए और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, उसकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए टाइप ऑफ इंसुलिन चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको इंसुलिन प्रोवाइड कर देते हैं, और डोज भी ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जो टाइप टू है, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मसला ये है कि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है, सो हमें इंसुलिन देने की ऐसा जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसकी सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटिविटी कैसे प्रोड्यूस होगी, या इंसुलिन जो के रिलीज हो रही थी वो रिलीज नहीं प्रॉपरली अगर हो रही, तो उसके लिए हम उसको रिलीज करवाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम उनको देंगे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स, हम उनको डिफरेंट ड्रग्स देंगे जिन ड्रग्स का ये काम है कि वो बॉडी में जाके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे, इंसुलिन की रिलीज को भी इंक्रीज करेंगे, और ओवरऑल जो है वो इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास है सल्फोनाइल यूरियाज। सो हम सल्फोनाइल यूरियाज को डिस्कस करने से पहले अगर एक चीज डिस्कस कर लें कि हमारे पास इसका नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है। अब नॉर्मली ये होता है, ये आपको जो पिक्चर नजर आ रही है बेसिकली बीटा सेल की है ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है। अब नॉर्मली ये होता है कि ग्लूकोज का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने की वजह से वो ग्लूकोज जो है बीटा सेल के अंदर आ गया, मेटाबोलाइज हुआ, मेटाबोलाइज होने की वजह से एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई। जैसे ही एटीपी की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी में अगर मैं याद करवाऊँ, हमने ये पढ़ा था कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं, पोटाशियम चैनल होते हैं। जब हमारे पास नॉर्मल मेम्ब्रेन है उसमें एक डिफरेंस होता है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटाशियम ज्यादा है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है, अंदर क्लोराइड भी है, अंदर और भी डिफरेंट आयन है, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये एक नॉर्मल पोटेंशियल क्रिएट हुआ हुआ है एक मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है। अब जैसे ही इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज हुई है, ठीक है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन पोलराइज है क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या होना है, जब हमारे पास इस मेम्ब्रेन में से सोडियम चैनल ने ओपन होना है, सोडियम चैनल ओपन हुआ, आपको याद होगा जिस तरह के सोडियम इनसाइड गया, सोडियम जब इनसाइड गया इसकी वजह से क्या हुआ, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं कि सोडियम अंदर गया तो पॉजिटिव, दिस इज द डिफरेंस कि कितने बाहर पॉजिटिव। ये मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में बताऊं, ये देखें अगर अंदर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और बाहर जो है वो तीन पॉजिटिव चार्ज हैं, तो हम ये कहेंगे कि कंपैरिजन में जो इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन है ये नेगेटिव है और जो बाहर साइड मेम्ब्रेन की वो पॉजिटिव है। सो दिस इज द कंपैरिजन। इसके अलावा भी क्लोराइड आयन भी होते हैं इनसाइड और भी डिफरेंट प्रोटीन्स भी होती हैं, बट मेन जो डिफरेंस हमारे पास होता है वो हमारे पास यही होता है कि हम चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस किस तरफ ज्यादा या कम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना। जैसे ही सोडियम इनसाइड गया, अब इनसाइड क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा हो गया। इस कंडीशन को हम कहते हैं जब सोडियम अंदर जाता है इनसाइड वाली साइड पॉजिटिव हो जाती है, बाहर नेगेटिव हो जाती है, इसको हम नाम देते हैं कि मेम्ब्रेन होगी हमारे पास डीपोलराइज होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी। इस कंडीशन में सोडियम अंदर जाते हैं तीन, पोटाशियम बाहर आते हैं, वो सारी चीज होगी
और मिम्ब्रेन हमारे पास डीपोलराइज होगी। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल जब ओपन होते हैं तो हमारे पास अंदर से पॉजिटिव चार्ज जो है और बाहर आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जैसे ही ये पोटेशियम चैनल होते हैं, हमारे पास दोबारा कंडीशन आ जाती है रीपोलराइजेशन की, ठीक है। पोटेशियम चैनल को ओपन होने की वजह से रीपोलराइजेशन की कंडीशन आ गई। अब रीपोलराइजेशन की कंडीशन जब आती है तो हमारे पास ओवरऑल मेम्ब्रेन देन अगेन उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे चली जाती है। अब यहाँ पे भी वही मैकेनिज्म हो रहा है, लेकिन इस एटीपी ने आके क्या किया, इन पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया। अब इन पोटेशियम चैनल का मेन काम क्या था, इन्होंने करवानी थी हमारे पास रीपोलराइजेशन, लेकिन जब ये चैनल ब्लॉक हो गया तो इसकी वजह से अगेन डीपोलराइजेशन हो गई। चैनल की ब्लॉकेज की वजह से, पोटेशियम की ब्लॉकेज की वजह से हमारे पास क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। जैसे ही डीपोलराइजेशन होती है कैल्शियम चैनल ओपन होता है, कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से इंसुलिन रिलीज हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल फंक्शन था, फिजियोलॉजी थी कि बीटा सेल कैसे इंसुलिन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इन सम कंडीशंस ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये जो पोटेशियम चैनल है किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, कोई पैथोलॉजी भी कंडीशन हो सकती है, पोटेशियम चैनल जो है परमानेंटली ओपन हो जाते हैं। जब परमानेंटली ओपन हो जाते हैं रीपोलराइजेशन की कंडीशन आती है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होती, जिससे हमारे पास जो है वो कैल्शियम चैनल नहीं ओपन होते और इंसुलिन भी रिलीज होना बंद हो जाती है। ये कुछ कंडीशन या कुछ ड्रग्स की वजह से होता है। तो हमने क्या करना है, सल्फोनाइल यूरिया देना है। सल्फोनाइल यूरिया का काम यह है कि इन्होंने अगेन जो है इन पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देना। जब पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे अगेन डीपोलराइजेशन होगी, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और इंसुलिन रिलीज हो जाएगी। सो ये बिल्कुल एक सिंपल सी कंडीशन के अंदर सल्फोनाइल यूरियाज का जो है वो काम। अब ये सल्फोनाइल यूरियाज को हम सेक्रीटो को कहते भी इसलिए क्योंकि ये इंसुलिन की सेक्रीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं। सो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया, डीपोलराइजेशन की, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हुए जिससे हमारे पास इंसुलिन की रिलीज जो है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे वो चीज शो की हुई है अगेन, ये हमारे पास डीपोलराइजेशन जो है वो चैनल ब्लॉक हुए, डीपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम चैनल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी और हमारे पास ग्रैन्यूल से जो है इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट होगी। सो ये सल्फोनाइल यूरियाज का काम है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, अब ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, जैसे इंसुलिन इंक्रीज होगी ग्लूकागोन की रिलीज जो है वो कम हो जाएगी और जो हमारे पास इसका यूरिया का कंटीन्यूअस यूज ऑफ सल्फोनाइल यूरिया विल इंक्रीज द रिस्पांस टू इंसुलिन। सो अगर हम सल्फोनाइल यूरिया इंक्रीज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टिश्यू की सेंसिटिविटी इंसुलिन से वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। सो इसके बेसिकली दोनों काम है, ये रिलीज भी इंक्रीज करवा रहा है और सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करवा रहा है, ये दोनों चीजें एट अ टाइम करवा रहा है, ठीक है। सो ये बिल्कुल सल्फोनाइल यूरिया का सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब इसमें हमारे पास जो है वो ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन के ड्रग एंड सेकंड जनरेशन के। सर जो आपने पिछली स्लाइड पे जो सोडियम के इन्फ्लक्स के बाद वाली बात समझाई है वो अगेन समझा दें प्लीज। ओके, वो ऐसे थी, देखें आपने फर्स्ट ईयर इन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, कोई भी मेम्ब्रेन हो किसी भी टिश्यू की, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है उसमें दो तरह के चैनल होते हैं। सबसे पहले तो एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल होता है, उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जो नॉर्मल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ हुआ है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, तीन सोडियम अंदर गए, दो पोटेशियम बाहर आए, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, इस वजह से ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ हमारे पास, इनसाइड पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, आउटसाइड जो है नेगेटिविटी। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस था -70 था, जैसे डीपोलराइजेशन हुई इनसाइड नेगेटिव ज्यादा हुआ, पोटेंशियल ऊपर चला गया। इसके बाद क्या होता है, सोडियम पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, सिर्फ पोटेशियम चैनल ओपन होता है। हमारे पास पोटेशियम चैनल ओपन हुआ, पोटेशियम आउटसाइड आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास अगेन जो है वो नेगेटिव रीपोलराइजेशन की कंडीशन आ गई और हमारे पास जो है वो दोबारा चार्ज उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ही उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे आता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, आपको नजर आ रहा है कि अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर आ रहा है। अब अंदर से पोटेशियम बाहर आएगा, इट मींस के बाहर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है बाहर पॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब है अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है रीपोलराइजेशन हो रही है, दोबारा नेगेटिव की तरफ जा रहा चार्ज। जब नेगेटिव आया, क्योंकि पोटेशियम चैनल कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए ओपन होते हैं, तो इसको, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपर पोलराइजेशन। सो हमारे पास दोबारा से ग्राफ, ये हमारे पास नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस था, हमारे पास डीपोलराइजेशन हुई, रीपोलराइजेशन हुई,
फिर हमारे पास थोड़ी देर चूंकि पोटेशियम चैनल ज्यादा देर ओपन आते हैं, हाइपरपोलराइजेशन हुई, फिर अगेन हमारे पास जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आया, फिर हमारे पास डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। सो इस तरह हमारे पास ये ग्राफ बनता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास जो है आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी सर आ रही है। ओके अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि रिपोलराइजेशन हुई और उस वजह से हमारे पास पोटाशियम चैनल की वजह से, लेकिन अगर पोटाशियम चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा, पोटाशियम चैनल के ब्लॉक की वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन प्रोलोंग हो जाएगी, तो वो डीपोलराइजेशन की कंडीशन होगी। सो नॉर्मली जो ये पोटाशियम चैनल का ब्लॉक होना है, इस पोटाशियम चैनल के ब्लॉक होने का ये मतलब है कि आपकी डीपोलराइजेशन स्टेट सस्टेन्ड होगी। सो डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, इन कैल्शियम चैनल की वजह से इंसुलिन रिलीज होती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की किसी भी मेम्ब्रेन की बात करें वो इसी तरह हमारे पास इसका फंक्शन होता है। सो अब नेक्स्ट हमने इन ड्रग्स की बात करें तो कैट जी या जी थ्री आप इस निमोनिक से याद कर लें, हमारे पास क्लोरप्रोपामाइड, एसिटेक्समाइड, टोलब्यूटामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लाइब्यूराइड एंड ग्लीमेपाइराइड, ये हमारे पास सिक्स ड्रग्स हैं जो कि सल्फोनाइल यूरियाज के अंदर आते हैं। अगेन साइड इफेक्ट में क्योंकि इंसुलिन रिलीज ज्यादा हो रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गई होगा, साथ जो हमारे पास एक और इसका काम होगा क्योंकि इसने पोटाशियम चैनल को ब्लॉक किया है। पोटाशियम चैनल ब्लॉक सिर्फ हमारे पास बीटा सेल्स में नहीं होगा, हम एक ड्रग ले रहे हैं तो डिफरेंट जगह पे और भी पोटाशियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो हमारे पास इम्बेलेंस होगा, जिससे हमारे पास वेट गेन हो सकता है। अगर हम अलोन जो है वो यूज करेंगे इसको सल्फोनाइल यूरिया को, ये दोनों इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन हम इसको मोस्टली जो है साथ यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ भी यूज करते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, सो इसका ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद हम मूव करते हैं मेटफॉर्मिन, बस आगे हम जो है ये नॉर्मल हमने कुछ चीजें समझ ली हैं, अब हम सिर्फ इसकी जस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ जाएंगे। मेटफॉर्मिन में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटफॉर्मिन को हम कहते हैं यूग्लाइसीमिक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाई मेटफॉर्मिन इज यूग्लाइसीमिक, या एक और क्वेश्चन आता है विच ड्रग डज नॉट कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। सो ये दोनों हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आ सकते हैं। तो मेटफॉर्मिन या यूग्लाइसीमिक इसको नाम देते हैं हम, ये बेसिकली क्या है, इसका काम इंसुलिन रिलीज करवाना है ही नहीं, ये जो ऑलरेडी क्योंकि हमने पढ़ा था टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन का मेन मसला होता ही नहीं, इंसुलिन की नॉर्मल प्रोडक्शन हो रही है। सो इसका काम ये है कि इसने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसने जो टिश्यू सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करना है, जब टिश्यू सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है और इंसुलिन इससे रिलीज नहीं होनी तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, यानी इंसुलिन की प्रोडक्शन तो उतनी हो रही है। सो इसने सिर्फ सेंसिटिविटी इंक्रीज करवानी है और जो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ है उसको नॉर्मल तक ले आना है। सो कोनियोजेनेसिस इसने कम करवा देनी और अब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कम करवा के ऑटोमेटिकली ग्लूकोज को नॉर्मल कंडीशन पे ले आना है। सो ये हम मोनोथेरेपी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं टाइप 2 में और सल्फोनाइल यूरियास के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, बट इसके अंदर जीआई डिस्ट्रेस, लैक्टिक एसिडोसिस और टिश्यू एनोक्सिया वगैरह ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज की जो हमारे पास रिलीज है और ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है, तो समटाइम ऑक्सीजन नहीं उतनी पर हमें मिल रही होती जितना ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ग्लूकोज एनारोबिकली जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, जिससे लैक्टिक एसिडोसिस की जो है वो अमाउंट बढ़ सकती है, जिससे हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे ए कार्बोस बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज है जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। नॉर्मली अगर आप पिक्चर देखें ये आपको फिजियोलॉजी भी इसमें भी नजर आ रही है और साथ पैथोलॉजी भी नजर आ रही होगी। नॉर्मली होता है जो हमारे पास ओलिगोसैक्राइड या पॉलीसैक्राइड होते हैं, तो जो हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज है ये हमारे पास ब्रश बॉर्डर ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन वहां पे इनको ब्रेक कर रहा होता है, ब्रेक करके ये मोनोसैक्राइड या ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा होता है। जब मोनोसैक्राइड में आता है तो वहां पर ये अब्सॉर्ब हो जाती है ये ग्लूकोज और अब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है, ब्लड में इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है जिससे हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो जब हम ए कार्बोस देंगे तो ए कार्बोस का क्या काम है, इसने अल्फा जो ग्लूकोसाइडेज है इसको ब्लॉक कर देना, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास मोनोसैक्राइड नहीं बनेंगे, मोनोसैक्राइड नहीं बनेंगे तो अब्सॉर्ब नहीं होंगे, अब्सॉर्ब नहीं होंगे तो हमारे पास ग्लूकोज नहीं ब्लड में आएगी जिससे हमारे पास ऑटोमेटिकली
जो ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एक जीआईटी के एंजाइम के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, जीआईटी के एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, तो ओलिगोसैकेराइड की जो है वो अमाउंट बढ़ जाएगी, पॉलीसैकेराइड की अमाउंट जो है वो इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगी, जिससे हमारे पास जीआईटी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकती है, डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी कंडीशन हो सकती है। सो ये बिल्कुल सिंपल चीज की बात है। उसके बाद आगे हमारे पास थायज़ोलिडाइनिडियोन्स, इसका क्या काम है? ये हमारे पास पायोग्लिप्टाज़ोन एंड रोसिग्लिप्टाज़ोन, इन ड्रग्स का बेसिकली क्या काम है? पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिविटी रिसेप्टर गैमा जो है हमारे पास, ये बेसिकली एक जीन एक्सप्रेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। नॉर्मली हमारे पास इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रही होती है तो उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म है, क्योंकि आपको पता है इंसुलिन प्रोटीन इन नेचर है, तो प्रोटीन बनने के लिए हमें पता है सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, खास तरह का मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो राइबोसोम के पास जाएगा, खास तरह की हमारे पास वो जो मैसेंजर आरएनए बना है उसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर वो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगी, वो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगी तो फिर हमारे पास इंसुलिन बनेगी। सो जो न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के लिए फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये उस फैक्टर के साथ बाइंड करती है और उस फैक्टर के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करवाती है, मैसेंजर आरएनए ज्यादा बनता है जिससे हमारे पास इंक्रीज जीन ज्यादा बनते हैं जिससे हमारे पास ऑटोमेटिकली इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। प्लस इसके अलावा क्या होता है, ये सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि ये हमारे पास उन रिसेप्टर्स के पास जाती है, रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट करती है जिससे हमारे पास रिसेप्टर की सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है। सो चूंकि इसका भी काम ये है कि इसने हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करती, सो इट इज लेस समहाउ इट इज ऑल्सो हाइपोग्लाइसीमिक, इसने भी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करना है बट लेस एज कम्पेयर टू सल्फोनाइल यूरिया, क्योंकि उसने तो बिल्कुल एकदम प्रोडक्शन रिलीज इंक्रीज कर दी है। सो इसका जो इफेक्ट है कम है, बट ये अगेन वेट गेन भी कर सकती है और एडिमा वगैरह ये भी कॉज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे इनक्रीटिन बेस्ड ड्रग। अब जो इनक्रीटिन है हमारे पास, इसको हम ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड भी कहते हैं। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मल फंक्शन ये है कि इसने इंसुलिन की सेक्रीशन को इंक्रीज करवा के हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करवाना होता है। एक हमारी बॉडी के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको हम नाम देते हैं डाइपेप्टिडाइलपेप्टिडेज 4। इसका काम क्या है कि इसने ये जो इंक्रीटिन बेस जो प्रोडक्ट है जिसको हम ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड कहते हैं, इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट कन्वर्ट करने का ये मतलब है कि ये जो ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड है इसने इंसुलिन की सेक्रीशन इंक्रीज कर ली, तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन काम हुई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर ये प्रॉपरली काम करेगा तो ये हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा इसके थ्रू तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे पास इस ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड को इसकी जगह एगोनिस्ट के तौर पे काम करती हैं, वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज को कम करती हैं, और जो इसको इनएक्टिवेट करने के लिए रोल प्ले करती है वो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाती है। सो दोनों तरह की ड्रग्स हमारे पास मौजूद है, एक ड्रग तो वो होगी जो इसकी तरह का काम करेगी और दूसरी ड्रग जो होगी वो इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इंक्रीटिन है या ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड है ये इनएक्टिवेट नहीं होगा, जब इनएक्टिवेट नहीं होगा तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सो आपने जो है लेडी सेव्स से इसका निमोनिक याद रखना है। सबसे पहले ऐसी ड्रग्स जो के इंक्रीटिन सर, ये बात समझ नहीं आई सर। अच्छा मैं आपको दोबारा समझाता हूं। सर ये जो आपने पूरी ये बात बताई है ये फिर से बता। जी ये देखें, हमारे पास एक बॉडी के अंदर प्रोटीन है इनक्रीटिन, उसका नाम है, ठीक है। इस इंक्रीटिन का क्या काम है? सबसे पहले इसका काम है इसने इंसुलिन की सेक्रीशन इंक्रीज करवानी, ठीक है। जैसे इंसुलिन की सेक्रीशन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का ये काम है कि इसने ग्लूकोज के लेवल को बॉडी से कम कर देना है। सो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात हो रही है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंक्रीटिन का ये काम है कि इसने ग्लूकोज के लेवल को कम करवाना है बाय इंक्रीज द प्रोडक्शन या रिलीज ऑफ द इंसुलिन। अब हमारी बॉडी के अंदर एक और एंजाइम भी है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो हमने इंसुलिन का लेवल भी तो मेंटेन रखना है, ऐसा ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो। तो इस इंक्रीटिन को ब्लॉक करने के लिए या इस इंक्रीटिन को इंसुलिन वाला फंक्शन परफॉर्म ना करने से रोकने के लिए एक और एंजाइम है जिसे हम नाम देते हैं डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज। इसका काम यह है कि इसने इस इंक्रीटिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देना। इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने का ये मतलब है कि इसका ये वाला फंक्शन लॉस हो गया, ये किसी और मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो गया जो कि हमारे पास वेस्ट मटेरियल के तौर पे हमारे पास रिलीज हो जाएगा। अब ये दो हमारे पास जो है वो एंजाइम आ गए, एक हमारे पास सिंपल इंक्रीटिन की बात कर ली और दूसरे एंजाइम की बात कर ली जिसे हमने नाम दे दिया डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम की बात आ गई।
अब हमने ड्रग्स की बात करनी, ये हमने नॉर्मल अभी बात की है, क्योंकि अब एक बंदे को डायबिटीज है और हम डायबिटीज के अंदर ये ड्रग्स यूज कर रहे हैं, डायबिटीज के अंदर ड्रग्स यूज करने का ये काम है कि हम ऑटोमेटिकली किसी ना किसी वजह से इंक्रीटिन के फंक्शन को इंक्रीज करना है। अब इंक्रीटिन का फंक्शन दो तरह से परफॉर्म हो सकता है, दो तरह से इंक्रीज हो सकता है। पहला काम तो ये है कि हम ऐसी कोई ड्रग्स ढूंढें जो इंक्रीटिन की तरह का काम करे या इंक्रीटिन की एफिशिएंसी या फिर इंक्रीटिन की एफिकेसी जो उसको इंक्रीज कर दे। सो ऐसी ड्रग्स जो कि इंक्रीटिन के एक्शन को इंक्रीज करती हैं वो क्या करेंगी, इंक्रीटिन की तरह काम करेंगी, उसकी एगोनिस्ट होंगी या फिर उसकी एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगी, जिससे क्या होगा इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएगा। ये है टाइप या क्लास वन ड्रग्स। सेकेंड ड्रग्स ऐसी होंगी जिनका काम इंक्रीटिन को नहीं छेड़ना बल्कि इंक्रीटिन को जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने वाला डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज है उन्होंने इसको ब्लॉक कर देना। इसको ब्लॉक करने का ये मतलब है कि इंक्रीटिन इनएक्टिव मेटाबोलाइट में नहीं कन्वर्ट हो रही। जब इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इसका फिर फंक्शन इंक्रीज होगा, इंसुलिन की रिलीज इंक्रीज होगी जिससे ऑटोमेटिकली ग्लूकोज के लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों तरह से दो तरह के ड्रग्स, दो क्लासेस के ड्रग्स, एक तो डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज को इनएक्टिवेट कर रहे हैं और दूसरी हमारे पास इंक्रीटिन के एक्शन को प्रोलोंग कर रही है। दोनों तरह की ड्रग्स ऑटोमेटिकली ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगे। सो इसको आपने याद कर लेना लेडी सेव से, हमारे पास रेग्लुटाइड, एल्बिग्लुटाइड, डिलेग्लुटाइड एंड एक्सिटानाइड, ये चार ड्रग्स हैं जो कि इंक्रीटिन की तरह एक्शन परफॉर्म करती हैं, और सेव से आपने याद रखना है जो कि डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 को जो है इनएक्टिवेट कर देती है। इसमें सिटाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन एंड सेक्साग्लिप्टिन, ये 4 ड्रग्स हैं। अगेन आपको पता है कि जो हमारे पास ग्लाइकोजन लाइक पेप्टाइड है इसने इंसुलिन की सेक्रीशन को इंक्रीज किया है, रिलीज को इंक्रीज किया है, तो ऑटोमेटिकली ये भी हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करेगा। सो आपने ये जहन में बात याद रख ली कि जिस ड्रग में भी हमने ये पढ़ा है कि वो इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज कर रहा है या सेक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है वहां पे हाइपोग्लाइसीमिया होना ही होने। सो आपने मैकेनिज्म को जहन में रखते हुए साइड इफेक्ट भी याद करने, मैकेनिज्म को जहन में रखते हुए आपने उसका फंक्शन भी याद करना। सो बिल्कुल आपके लिए बड़ी सिंपल चीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ गया प्रेमलिनटाइड हमारे पास, ये सिंथेटिक वर्जन ऑफ अमाइलिन है। ये बेसिकली फूड की अब्सॉर्प्शन को कम करता है। फूड की अब्सॉर्प्शन का काम होने का क्या मतलब है, ऑटोमेटिकली ग्लूकोज की अब्सॉर्प्शन कम होगी, ग्लूकोज की अब्सॉर्प्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज जो है वो ट्रीट होगा। सो इसलिए ये जो ड्रग है ये दोनों कंडीशन में यूज हो सकती है, सिर्फ टाइप 2 के अंदर यूज नहीं करेंगे और इसकी वजह से GI डिस्ट्रेस हो सकते हैं। सो ये हमारे पास जो बेसिक ड्रग्स थी, हमारे पास टाइप 1 एंड टाइप 2 की ड्रग्स थी जो हमने अभी डिस्कस की। अब हम थोड़ा सा जो है वो कैप्लन की तरफ आ जाएं कि हमने कैप्लन से क्या क्या चीजें करनी।